राष्ट्रीय कार्यशाला एवं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में बैठक की। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि 49 पार्टियों में से एक निषाद पार्टी है, जो वादा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखते हैं उन्हें क्या कुछ कहा। कौन लेगा? सुरक्षा कौन लेगा? समृद्धि कौन देगी? भविष्य कौन बनाएगा? शिक्षा कौन देगा? तो पढ़ाई किसकी पढ़नी है? राष्ट्रीय कार्यशाला है, विचार गोष्ठी है, इनकी कार्यशैली बदलने के लिए इनको निषाद पार्टी में जितने भी पदाधिकारी हैं बड़े वो आएंगे, कोर कमेटी की बैठक है। और इसको हमेशा इलेक्शन से पहले इनको हम शिक्षित प्रशिक्षित करते हैं और उनको एक मार्गदर्शन करते हैं, उनका आपस की इनकी समस्याओं को भी सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। और किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन की आवश्यकता होती है। अनुशासित तभी होते हैं जब शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष होते हैं। ये तर्क कार्यशाला के साथ में कहते हैं, तर्क के आधार पर इन्हें दिया जाता है। और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए कहा जाता है कि राजनीतिक युद्ध जीतना हो तो उसके लिए एक सशक्त मतलब एक शक्तिशाली संगठन हो, फिर नेता का दांवपेच हो और जनता का समर्थन। तो जनता का समर्थन है और इनका इनकी शक्ति तेज की जाती है। दूसरा, और चूँकि इलेक्शन है और चूँकि माननीय NDA के की बैठक हुई थी, माननीय मोदी जी को हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, 39 पार्टियों ने तय किया था कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। और एक इनके मैसेज डालना था कि जितनी हारी हुई सीटें हैं उस पर अपनी सेना तैयार करिए, क्योंकि मैं पिछली बार जो 15 सीटें लिया था उसमें 11 हारी हुई सीटें लिया था और उसमें 9 जीत हमने लिया कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और NDA के और घटक दल के कार्यकर्ता मिलते हैं और निश्चित रूप से उसको हम हारी हुई सीट को जीत में बदल देते हैं। इसीलिए उसको हम सीटों को जीत में बदल लें 80 की 80 उत्तर प्रदेश में, इसके लिए सभी और